ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री ऋषिभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः देववाणी संस्कृत ई गुरुकुल प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् मित्राणि अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षा पढ़िषा निबंध निबंध स्वदेश रक्षा अपने देश की रक्षा आइएगा जगती देशः सर्वोत्तमः मनते जगती में संसार में स्वकीय देश अपना देश सर्वोत्तम मन्यते, मने सबसे उत्तम माना जाता है सबसे उत्तम अपना देश होता है जी और कहते भी हैं, सुंदर होंगे देश बहुत से बहुत बड़ी है ये धरती, अपनी माए अपनी ही होती अमिट प्यार जो है करती अमिट प्यार जो है करती दुनिया में बहुत सारे देश होंगे सुंदर सुंदर होंगे परंतु अपनी माता अपना देश तो अपना ही है जो हमें अमिट प्यार करता है सब कुछ देता है हम आनंद से रहते हैं स्वतंत्रता से अपना जीवन जीते हैं तो इसीलिए कहा कि संसार में अपना देश सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कहते हैं आगे उच्चते च और भी क्या कहा जाता है जननी जन्म भूमि गरीयसी जननी जन्म जननी माने माता और च और जन्म भूमि अर्थात जिस पर हमने जन्म लिया है हमारी जन्मभूमि क्या है भारत माता स्वर्गा ऐसी स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़ करके होती है श्रेष्ठ होती है अपनी माता और अपनी जन्मभूमि कहते स्वदेश स्वर्गा अपि गुरुतर पूजनीय अस्ति कहते स्वदेश अपना देश स्वर्ग से स्वर्गा माने स्वर्ग से अपि माने भी गुरुतर माने श्रेष्ठ पूजनीय च और पूजनीय मन पूज्य होता है अस्थि मन होता है जगती ये देशा उन्नता सर्वे एव स्वदेशम सर्वोत्तम मनते संसार में जितने भी देश उन्नत हैं डेवलप्ड कंट्री वे सभी अपने देश को ही उत्तम मानते हैं ते स्वदेश कृते सर्वस्व अपनी त्यक्तुम उद्यता और कहते हैं कि ते मन बे लोग स्वदेश के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए उद्यत रहते हैं तैयार रहते हैं भाई अपने देश को कुछ नहीं होने देंगे सब कुछ दे देंगे प्राण भी दे देंगे स्वदेशस्य रक्षा मनुष्य सर्वोत्तम कर्तव्यमस्त अपने देश की रक्षा करना मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य है सबसे ऊंचा कर्तव्य है यदि देश अस्ति अस्त देशे उद्योगा हा सर्वा हा योजना चफला भविष्य हैं यदि देश सुरक्षित है तो देश में जो उद्योग हैं और जो योजनाएं हैं सभी सफल हो जाएंगी और दे यदि देश हा, असुरक्षित तेनाली प्रकारेण देश से उन्नति न संभवती और यदि देश सुरक्षित नहीं है जी खतरा है दूसरे देशों से तो फिर हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता हर प्रकार से अवनति होगी जी हैं अस्माक ये महापुरुषा अभवन ते सर्वे अपि देशस्य से रक्षा बहूनी दुखानी असहंत जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए बहुत सारे दुखों को सहा है Hmm. श्री महाराणा प्रताप हो, श्री महाराणा प्रताप श्री शिवाजी जो शिवाजी जी हैं और महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी श्री सुभाष चंद्र श्री सुभाष चंद्र बोस श्री जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी भी देश रक्षा यही बहूनी दुखा असहत देश रक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे दुख सही जीवन च सफल कृतवंत और उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया धन्य हो गए स्वदेश रक्षा सर्वेश प्रधानमंत्री अस्ति अपने देश की रक्षा करना सभी लोगों का प्रधान कर्तव्य होता है इसलिए हमको भी अपने देश की अपने भारत माता की रक्षा करनी है हमको बुराइयों को मिटाना है अपने सभी देशवासियों से प्रेम करना है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी है ये अपने देश की परंतु हम दूसरे देशों के लोगों की भी उन्नति चाहते हैं क्योंकि हमारे ऋषि हमें क्या सिखलाते हैं वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण संसार हमारा घर है परिवार है परंतु पहले हम आसपास हम अपनी जन्मभूमि अपने देश के लोगों की उन्नति करेंगे फिर दूसरे लोगों की भी उन्नति कर पाएंगे यदि स्वयं की उन्नति नहीं कर पाए दूसरे की उन्नति क्या कर देंगे जी स्वयं जेब में पैसा नहीं है दूसरे को भोजन कहाँ से खिला देंगे तो पहले हम स्वयं सशक्त बनेंगे समृद्ध बनेंगे वीर बनेंगे धनवान बनेंगे विद्वान बनेंगे यशस्वी बनेंगे तेजस्वी बनेंगे वर्चस्वी बनेंगे और संसार की जितनी भी ऐश्वर्य हैं सबको अर्जित करेंगे सबको अर्जित करेंगे फिर संसार के लोगों को भी हम उन्नति के मार्ग पर चलाएंगे यही तो हमारी संस्कृत भाषा हमको सिखाती है यही सीखना है तो आज का यह छोटा सा निबंध हमने पढ़ा स्वदेश रक्षा अपने देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है जी आइए अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं आगामी कक्षा में आपसे पुनः मिलते सर्वेभ्यो नमो नमः